पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नए सांसद भवन के उद्घाटन को लेकर तमाम अटकलें चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर नए सांसद भवन का उद्घाटन करेगा कौन, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? आइए आपको बताते हैं। इस पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने, कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, आगे बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस। नए सांसद भवन को लेकर मायावती ने साफ किया रुख तो कांग्रेस भड़क उठी है। फोन पहुंच गया नए सांसद भवन के उद्घाटन को लेकर। विपक्षी दलों के बायकॉट को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के गलत बताने पर कांग्रेस ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का बचाव कर रही है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती। जहां पर आपको बता दें सांसद भवन के उद्घाटन को लेकर सोशल मीडिया पर भी आम जन तमाम तरह के पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि नए सांसद भवन को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने उन पर गुरुवार यानी कि 25 मई को निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि इसमें साफ हो गया है कि बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी साथ में आने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लगता है कि बहन जी यानी कि मायावती के पास फोन पहुंच गया है। आइए आपको दिखाते हैं जो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आखिर सोशल मीडिया पर मायावती ने ट्विटर के माध्यम से क्या जंग छेड़ दी है, क्योंकि उद्घाटन आखिर कौन करेगा ये तो असमंजस का विषय है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि एससी समाज उनसे पूछ रहा है यानी कि प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि क्या वो अछूत है। देखिए इसमें मायावती मोदी सरकार के बचाव में मैदान में आ गई है। यूपी में गठबंधन की तस्वीर थोड़ी और साफ हुई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव लड़ना दूसरी बात है और एक बार वो राष्ट्रपति बन गई हैं तो उनका सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सरकार को राजधर्म की याद दिला रहे हैं। दरअसल बीजेपी चीफ मायावती के उद्घाटन समारोह के विपक्षी दलों के बायकॉट पर कहा है कि प्रेसिडेंट मुर्मू का इतना सम्मान करते थे तो उनके खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा किया था। उन्होंने साथ ही नए सांसद भवन का पीएम मोदी के उद्घाटन किए जाने को लेकर स्वागत किया। मायावती ने 3 ट्वीट करते हुए कहा कि बीएसपी लोगों के हित में हमेशा खड़ी रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की या बीएसपी ने देश हित और जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से उठकर काम किया है। अब 28 मई को सांसद के नए भवन का उद्घाटन को भी पार्टी इसी सौंदर्य में देखती है, इसका स्वागत करती है। आइए आपको दिखाते हैं कि मायावती ने ट्वीट करके आखिर क्या कुछ कहा। देश में नई संसद के उद्घाटन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष के कई दलों की ओर से उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने पर मायावती ने सवाल खड़े किए हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नई संसद के बनने का स्वागत किया है, लेकिन ये कहा है कि वो पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के कारण संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं जा सकती। मायावती ने कांग्रेस पार्टी और उन तमाम विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया है जिन्होंने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। कारण सिर्फ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न बनाना है। मायावती ने विपक्षी दलों पर सवाल खड़े करते हुए 3 ट्वीट किए हैं। मायावती ने इस बात का समर्थन किया है कि देश के संसद भवन की नई इमारत का उद्घाटन किया जा रहा है। मायावती ने गुरुवार को एक ट्वीट करते हुए कहा, केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित के निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। सरकार ने इसको बनाया है इसलिए इसके उद्घाटन का हक उसे है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। यह उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ है,
जिसके लिए आभार और मेरी शुभकामनाएं। किंतु पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण मैं उस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी। वहीं दूसरी ओर तमाम विपक्षी दलों खास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में ना बुलाए जाने पर सवाल खड़ा किया है। संसद भवन के उद्घाटन से पहले इस मामले पर जितनी राजनीति हो रही है उसे देखकर आम लोग कहने लगे हैं कि एक उद्घाटन को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। देश के अन्य मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच कैसे एक रूपता हो पाएगी इसे सोचना चाहिए। एक उद्घाटन समारोह को लेकर तलवार ऐसे खींची है जैसे ये कितना बड़ा मुद्दा।